सिंगरौली जिले में राष्ट्रीय मानवाधिकार और अपराध नियंत्रण संगठन सामाजिक कार्यों में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। अमित तिवारी मानवाधिकार और अपराध नियंत्रण संगठन के राष्ट्रीय महासचिव ने बताया कि कई वर्षों से लगातार मानवाधिकार संगठन के पदाधिकारियों ने गरीब बेटियों की शादी में सहयोग करते आ रहे हैं। इसी कड़ी में 22 फरवरी 2023 को मोरवा वार्ड क्रमांक 9 आदर्श गंगा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के करीब एक गरीब व्यक्ति की बेटी की शादी होनी है। इसकी खबर जैसे ही मानवाधिकार के पदाधिकारियों को मिली, तत्काल अमित तिवारी, सत्येंद्र पासवान, रमन सिन्हा, प्रमोद द्विवेदी, दिनेश श्रीवास्तव उनके घर पहुंचकर 11,000 नगद और टेंट की संपूर्ण व्यवस्था और एक अलमारी एक बक्से का सहयोग दिया। अमित तिवारी द्वारा बताया गया कि बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, यात्री प्रतीक्षालय जैसे तमाम जगहों पर रात के कड़कड़ाती ठंड में कंबल वितरण का कार्य किया गया है। मानवाधिकार और अपराध नियंत्रण संगठन के इस सामाजिक कार्य के लिए सिंगरौली जिले में काफी सराहना की जा रही है। मैं अमित तिवारी, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार और अपराध नियंत्रण संगठन का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। हमारे संज्ञान में लाया गया था कि एक बच्ची की शादी है और बच्ची के परिवार वालों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो माली हालत उनकी इतनी दुरुस्त नहीं है, तो उस हालत में हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि भाई हम उनकी मदद करेंगे। हम लोगों ने उनकी आर्थिक मदद भी की और उनके टेंट की पूरी व्यवस्था हमने अपने जिम्मे ले ली है। ऊपर से हम लोगों ने उनके लिए एक आलमीरा और एक बॉक्स जो उन लोगों का था कि ये हमको देना है, तो वो भी हमने कहा है कि हम अपनी तरफ से दे देंगे बच्ची को। वार्ड नंबर 9 की बच्ची है, नाम लेना उचित नहीं होगा, बट इस तरह का काम हम लोग अक्सर करते रहते हैं। इसके पूर्व भी पड़ताली में एक बच्ची के शादी में हम लोगों ने सहयोग किया था, वहाँ भी आर्थिक मदद हम लोगों ने की थी। और प्लस उनको जो सामान चाहिए होता है बच्ची को देने के लिए वो भी हम मुहैया कराते हैं। एक शादी आदर्श गंगा के पीछे जो बस्ती है उसमें हुई थी, उसमें भी हम लोगों ने उन लोगों को आर्थिक मदद दी थी, प्लस खाने पीने का कुछ सामान जो उन लोगों ने हमसे बताया था कि ये इसकी ज़रूरत पड़ेगी, वो सामान भी हम लोगों ने उनके घर तक पहुँचाया था। कुछ इससे क्या होता है कि और लोग भी उत्साहित होते हैं और उसमें उनको सहयोग हो जाता है थोड़ा। इस ठंडी में हम लोगों ने कंबल वितरण का कार्यक्रम बेहद रूप से चलाया था और हम लोगों ने कंबल वितरण पहले तो शिविर लगाकर चलाए, फिर हम लोग रात में निकलते थे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे, यात्री प्रतीक्षालय में, सब जगह जहाँ जो जरूरतमंद लोग दिखे उन लोगों तक हम लोगों ने कंबल पहुँचाने का काम किया।